देखो, हम लोगों के पास अल्कोहल्स के पास पेपर स्टार्ट करने से पहले ना, अल्कोहल का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है कि जब हम अल्कोहल्स को, प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, और इसी तरह अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो कीटोन बनता है। तो जिन लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में नहीं पता, तो थोड़ा सा उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर अल्कोहल्स के पास पेपर्स की तरफ चलते हैं, क्योंकि अल्कोहल्स में ज्यादातर एमसीक्यूज में वही रिएक्शन जो इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, एक तो आपका अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, और दूसरा फिर अल्कोहल हम लोग बनाते कैसे हैं, वो वाले रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाते हैं। एल्काइल हैलाइड से भी हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवा के। तो वो रिएक्शन तो हमने एल्काइल हैलाइड में बहुत ज्यादा देख ली है, लेकिन आपका जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स वाला है ना, वो थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं अगर किसी को नहीं पता है ये अभी तक। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हमारे पास ना दो तरह के होते हैं, एक होता है एल्डिहाइड और दूसरे होते हैं कीटोन्स। अब इन दोनों में कॉमन चीज क्या होती है, इनको कार्बोनाइल कंपाउंड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, और ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, अगर उसके साथ, उस कार्बन के साथ जिसके साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, डायरेक्ट एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो वो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप इस तरह का हो कि कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, और जो डबल बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन है उसके राइट और लेफ्ट दोनों जगह एल्काइल लगा हुआ हो, अब एल्काइल की कोई भी चेन हो सकती है, तो वो कीटोन्स कहलाते हैं। ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जिसके दोनों साइड पर एल्काइल लगा हुआ है, दैट इज कीटोन। और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है अल्फा कार्बन के साथ, दैट इज एल्डिहाइड। तो अगर हम बात करें एल्डिहाइड का नाम किस तरह से देते हैं, जैसे पहला जो एल्डिहाइड होता है एक कार्बन एटम वाला, जैसे मिथेन होता है ना, मिथेन का आखिर का ई हटा के एल लगा दो अगर, तो वो बन जाता है पहला एल्डिहाइड, विच इज मिथेनल। मिथेनल में सिर्फ एक कार्बन एटम होता है और उसको हम लोग यू करके लिखते हैं। इसी तरह दूसरा एल्डिहाइड हमारे पास है इथानल, इसकी हमने अभी डिटेल क्लास ली है दोपहर में, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैं भेजूंगा, अगर किसी को इन केस कार्बोनाइल कंपाउंड इस क्लास में नहीं पता है तो वो वहां से देख लेना। इथानल में क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हाइड्रोजन और एक और पीछे कार्बन लगा हुआ होगा, तो दिस इज इथानल। सिमिलरली आपके पास जो प्रोपेनल है, प्रोपेनल में हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और यहाँ पे पीछे दो कार्बन लगे हुए होंगे, दिस इज प्रोपेनल। ये देखने में कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा लग रहा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, आखिर में सी डबल ओ ओ एच फंक्शनल ग्रुप होता है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास ओ एच होता है डबल बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन के साथ, इसमें सिर्फ एच है। ठीक है, इसी तरह आगे चलें तो ब्यूटानल हो जाएगा। अगर रियलाइज करो इनका, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें एक और सी एच थ्री और पीछे ऐड कर दो, तो ये भी एल्डिहाइड भी टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। टर्मिनल मतलब ये भी या तो फर्स्ट कार्बन पे लगा सकते हो या लास्ट कार्बन पे लगा सकते हो, बीच में नहीं लगा सकते हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को बीच में नहीं लगा सकते हो ना, मतलब कार्बन कार्बन चेन के बीच में कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड नहीं आ सकता है, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि अगर बीच में लगाओगे तो हाइड्रोजन के बाद तो कार्बन नहीं आ सकता ना, हाइड्रोजन तो दो बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता, ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है। अगर इसका हम जनरल फॉर्मूला देखें, तो जनरल फॉर्मूला जो हमारा एल्डिहाइड का बनेगा, जैसे कार्बोक्सिलिक का जनरल फॉर्मूला जो होता है वैसे ही बनेगा, और फर्क क्या होगा, सी एन एच टू एन प्लस वन और आखिर में सी एच ओ। अच्छा, इसको सी एच ओ इसलिए लिखते हैं, इसको सी ओ एच अगर लिखेंगे ना तो ये ऐसा लगेगा कि अल्कोहल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मिथेनल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला हम सी ओ एच लिखेंगे तो देखने में तो आपको लगेगा अल्कोहल है, लेकिन आपको अगर इतनी समझ आ गई है कि जो कार्बन है इसके साथ पीछे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, अगर आगे ओ एच लगा हुआ है तो इसके कार्बन के तो बॉन्ड ही पूरे नहीं हुए ना, इट मीन्स के ये ओ एच नहीं लगा हुआ है, ये क्या लगा हुआ होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और फिर एच। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अल्कोहल से इसको किस तरह से लिखते हैं, सी एच ओ लिख देते हैं ताकि दूर से पता लग जाए। इसी तरह इथेनल का स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच ओ। इसी तरह प्रोपेनॉल का क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ। इसी तरह ब्यूटेनल का क्या हो जाएगा, सी एच थ्री सी एच टू सी एच ओ। ये हमारे पास एल्डिहाइड्स होते हैं। इसी तरह पेंटेनल भी होगा।
अच्छा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल है तो इसमें नंबरिंग का कोई चक्कर नहीं है, जो फंक्शनल ग्रुप है वो फर्स्ट कार्बन एटम पे ही हमेशा लाए करने वाला है, 1 2 1 2 3, तो आखिर में इसका नंबर लिखेंगे। अच्छा, इसका अगर हम स्केलेटल फॉर्मूला देखें तो हमारे पास जो मिथेनल है, मिथेनल में तो एक कार्बन एटम और ऑक्सीजन है, तो मिथेनल का स्केलेटल फॉर्मूला तो ये हो जाएगा। इथेनल का स्केलेटल फॉर्मूला क्या होगा? एक कार्बन, ये दो कार्बन ना, इथेनल। इसी तरह प्रोपेनल का स्केलेटल फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, एक इसको यहाँ से एक 1 2 3, मतलब एक कार्बन 1 2 3 दिस इज, और यहाँ पे हाइड्रोजन, जो कि हम लिख के दिखा नहीं रहे, तो इसका जो स्केलेटल फॉर्मूला होगा प्रोपेनल का वो इस तरह का हो जाएगा। इसी तरह ब्यूटेनल का स्केलेटल फॉर्मूला क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 1 2 3 4, दिस इज ब्यूटेनल। सही है, इसको हम जहाँ पे, अगर हमने नहीं पढ़ा, आई थिंक आरपी जो हमारी क्लास में से हो गई ना, तो मैं नहीं पता होगा ये अब्बास, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो लेकिन अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी भेजूंगा क्लास के बाद, तो उसको भी देख लेना, क्योंकि ये आखिरी चैप्टर हमारे पास बचा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो फैमिली है ना वो आखिरी फैमिली है। एल्डिहाइड में क्या फर्क है? देखो, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हमारा ये है ना, यहाँ पे कोई भी अल्काइल समूह में हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उसके राइट और लेफ्ट दोनों जगह पर अल्काइल, तो जो मैं फर्स्ट कीटोन बना सकूंगा, तो जो फर्स्ट कीटोन बनेगा उसमें मिनिमम कितने कार्बन एटम के साथ मैं पहला कीटोन बना सकता हूँ? तो राइट पे भी CH3 लगाना पड़ेगा और लेफ्ट पे भी CH3 लगाना पड़ेगा, इससे मिनिमम कार्बन के साथ मैं कीटोन नहीं बना सकता। तो पहला कीटोन जो होगा वो 3 कार्बन एटम वाला ही हो सकता है। और इसका नेमिंग किस तरह से करते हैं? जैसे अब ये है, जब प्रोपेन होता है ना तो आखिर का ई हटा के इसके साथ हम लगा देते हैं ओन, तो दिस इज प्रोपेनोन। फर्स्ट कीटोन इज प्रोपेनोन। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला किस तरह से लिखोगे? CH3CO3H3। स्केलेटल फॉर्मूला कैसे बनाओगे इसका? स्केलेटल फॉर्मूला वुड बी लाइक दिस, यू भी बना सकते हो या यू भी बना सकते हो। हो गया ना 3 कार्बन, 1 2 3। प्रोपेनोन के बाद तो दूसरा कीटोन आप बना सकते हो, डेट कैन बी ब्यूटेनोन। इसमें पहले CH2 फिर CH3 और लेफ्ट पे CH3, दिस इज ब्यूटेनोन। क्या ब्यूटेनोन कोई फंक्शनल पोजिशनल आइसोमर बना सकते हो? मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन आगे पीछे करके आप आगे कुछ बना सकते हो? आर्फीन पॉलीमर, पॉलीमर हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन है सिलेबस में एल्कीन्स के चैप्टर में, सही है? वो ही वाली है जो आपका उसमें ओ लेवल में थी, बिल्कुल एज इट इज वही पॉलीमराइजेशन है, ठीक है? एक बार हैंड आउट से रीड आउट कर लेना अगर क्लास मिस आउट हो गई है तुम्हारी। अच्छा, सिमिलरली अगर आप इसका भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाने की कोशिश करो, मतलब अगर आप सेकंड कार्बन पे कार्बन ऑक्सीजन ना लगाओ, थर्ड कार्बन पे लगाओ, तो बेसिकली वो, अगर जब मैं उसकी नंबरिंग करूंगा तो नंबरिंग में 1 2 3 4 लेफ्ट टू राइट पहले वाले स्ट्रक्चर में करेंगे, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में राइट टू लेफ्ट करेंगे, तो सेकंड कार्बन पे ही आ रहा है। अगर मैं नंबर ऑफ कार्बन एटम को इंक्लूड करना चाहूँ तो इसका जो नाम है, मैं ब्यूटानोन लिखने के बजाय, वैसे तो ब्यूटानोन लिखोगे क्योंकि ब्यूटानोन बनी एक ही तरह का सकता है, लेकिन अगर आप इसको ब्यूटेन, ब्यूटेन का आखिर का ई हटा दोगे और 2 ओन लिखोगे, तो ये भी से भी इसकी नेमिंग होगी। इसका स्केलेटल फॉर्मूला कैसे होगा? 1 2 3 4। अच्छा, यहाँ पे लगा हुआ पहले वाले में यू लगा, इसको पलट के रख दो तो दूसरा वाला बन जाएगा। ये एक ही बात है जिसको रिवर्स करके रखा हुआ है, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल है, दीज आर नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। सिमिलरली अगर मैं पेंटानोन बनाने जा रहा हूँ तो उसमें कितने कार्बन एटम होंगे? 5। अब अगर देखो, फर्स्ट कार्बन पे तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड लगा नहीं सकते क्योंकि उसके पीछे एक और अल्काइल लगाना ही पड़ेगा,
टोटल कितने कार्बन है इसमें? तीन, वन टू थ्री फोर फाइव। इसका पोजिशनल आइसोमर एक बन सकता है, ये मैं फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन या थर्ड कार्बन के साथ जो है वो ऑक्सीजन लगा दूं। अगर इसकी नंबरिंग करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव, और इसकी करोगे तो वन टू थ्री फोर फाइव। तो पहले वाले में सेकंड कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो इसका नाम हम क्या देंगे, दिस इज पेंटेन होता है ना, जैसे पेंटेन के आखिर का ई हटा देंगे, पेंटेन टू ओन, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, पेंटेन थ्री ओन। और पहले वाले का स्केलेटल फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, और दूसरे वाले का स्केलेटल फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, सही है। इसी तरह इसमें हम चेन आइसोमेरिज्म भी कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला वाला जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर में चेन आइसोमेरिज्म इस तरह से कर दूं, एक कार्बन या ब्रांच में लगा दें, इसकी नेमिंग किस तरह से करेंगे, दिस इज थ्री मिथाइल, ब्यूटेन, टू ओन। सही है। अच्छा देखो अच्छा ये डिटेल में ना ये सबके स्ट्रक्चर्स हमने बनाए अभी दोपहर वाली क्लास में, तो वो एक बार वीडियो वो देख लेना। बेशक हम आज अल्कोहल के पास पेपर तक ना पहुंच सके कोई मसला नहीं है, लेकिन कल वाली क्लास के लिए हमारी प्रिपरेशन हो जाएगी पास पेपर्स करने से पहले। मैं जो अभी आपको बताना चाह रहा हूँ ना, वो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे पास एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाए किस तरह से जाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो अल्कोहल्स हैं वो तीन तरह के अल्कोहल्स हमने पढ़े थे, प्राइमरी अल्कोहल। अच्छा ये साथ साथ लिख लेना, अभी नहीं लिख रहे तो रिकॉर्डिंग से देख के लिख लेना, क्योंकि ये लेक्चर में नहीं होगा। प्राइमरी अल्कोहल हमारा क्या था कि ऐसा अल्कोहल जिसमें अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली एक अल्काइल अटैच्ड हो, ये हम बहुत दिन से देखते आ रहे हैं कि भाई ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, जिसमें अल्फा कार्बन यानी वो कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, उस कार्बन के साथ डायरेक्टली दो अल्काइल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो, जैसे कि ये हो गया हमारे पास प्रोपेन टू ऑल, तो दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल। इसी तरह जो हमारा टर्शियरी अल्कोहल था वो क्या था कि जो हमारा अल्फा कार्बन है जिसके साथ OH लगा हुआ है उसके साथ डायरेक्टली तीन अल्काइल अगर अटैच्ड हैं तो दैट वुड बी कॉल्ड एज टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है, अगर मुझे एल्डिहाइड और कीटोन बनाने तो हम उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, देखो ये चीज लिख भी लेना अपने पास, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसमें हमारे पास जो पहला रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल। अगर मुझे एल्डिहाइड बनाना है ना तो उसमें हम पहले करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। तो करते क्या है हम लोग, बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा देते हैं। ऑक्सीडाइज कैसे करवाएंगे, बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे और उसको ऑक्सीडाइज करा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में, साथ में वाटर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई अल्कोहल है, इस बार प्रोपेनॉल ले लेते हैं। अब दिस इज प्रोपेन प्राइमरी अल्कोहल है, दिस इज प्रोपेन वन ऑल, पूछ रहे हो, इसमें हमने डाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या होगा, ये जो हमारा अल्कोहल है ना
ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, जो आखिर का फंक्शनल ग्रुप है ना, ओएल ओएच जो है, ऑल ये जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला कि अगर फॉर्म में लिखना है तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका CH3 CH2 CHO, साथ में बनेगा वाटर। तो जो एल्डिहाइड बना है इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। प्रोपेनॉल को प्रोपेन 1L लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर तुम कहोगे भाई इसको भी 1L ऐसे लिखें जैसे अल्कोहल लिखा है, लेकिन इसको इसलिए नहीं लिखेंगे ऐसे क्योंकि एल्डिहाइड हमेशा आखिर में ही आना है, तो ऑब्वियस है तो वो फर्स्ट कार्बन पे एटम भी लगना है, तो यहाँ पे जरूरत नहीं है इसको नंबर करने की। कीटोन में है, अल्कोहल में है, यहाँ पे जरूरत नहीं, जैसे प्रोपेनॉल। अच्छा जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें, ये क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है हमारे पास एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है? इस मतलब इसको हम यू लिखते हैं, एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम डाइक्रोमेट 7। और इसको हम एसिडिफाइड मतलब जिस एसिड में इसको लेते हैं वो होता है एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। और हमें पता है कि ये जब ऑक्सीडाइज कर देता है किसी चीज को तो इसका कलर चेंज भी याद रखना, दिस इज ऑरेंज टू ग्रीन। तो ये टेस्ट जो है वो प्राइमरी अल्कोहल क्या कहते हैं, ये जो रिएक्शन है ये टेस्ट फॉर प्राइमरी अल्कोहल भी हो सकता है। अगर मुझे पता लगाना है कि अल्कोहल, चलो तुम्हें पता है कि अल्कोहल है, लेकिन ये पता लगाना है कि प्राइमरी है सेकेंडरी है, तो मैं उसको ये टर्शियरी है तो उसको जो है मैं इस तरह से भी हीट करके ये भी पता लगा सकता हूँ कि भाई अल्कोहल है भी नहीं। सही है, ये रिएक्शन करवाने के लिए हीट भी करना पड़ेगा, ये भी याद रखना, विदाउट हीटिंग ये रिएक्शन बहुत स्लो होता है, रिफ्लक्स करने की जरूरत नहीं है इसमें। और ये जो ग्रीन कलर हमारा कन्वर्ट हो रहा है ऑरेंज टू ग्रीन, ये किस वजह से हो रहा है? ये भी रिडॉक्स में क्वेश्चन तुम्हारा पूछा हुआ है ना, ये जो K2Cr2O7 है इसमें जो क्रोमियम है ये आपका ये, अच्छा ये सॉरी मैंने 7 लिख दिया, ये 6 है। दिस इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। ये 6 इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो +6 आती है, और जब ये ऑक्सीडाइज करवा देता है तो खुद क्रोमियम रिड्यूस होकर +3 बना लेता है। तो जब क्रोमियम +6 आयन होता है तो उसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, और जब +6 +3 आयन बना लेता है तो उसका एक्वस सॉल्यूशन में जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो ग्रीन कलर का बनाता है, इसलिए कलर चेंज ऑरेंज टू ग्रीन हो जाता है। और ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या हो गया है? रिड्यूस्ड हो गया है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा खुद रिड्यूस्ड हो जाएगा। अच्छा, अभी जो एल्डिहाइड बना है ना हमारे पास, इसको जो है ना हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड का क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अल्कोहल से कम होता है, ठीक है? ये क्वेश्चन भी पूछता है व्हाई एल्डिहाइड हैज अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। अल्कोहल के अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स को देखूं, जैसे ये प्रोपेनॉल है, तो प्रोपेनॉल में हमारे पास बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोपेनॉल देयर इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो पार्शियल पॉजिटिव और हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना। लेकिन जब ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ है तो एल्डिहाइड के अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स को देखूं तो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि हाइड्रोजन इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद ऑक्सीजन। अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होता है तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, या तो कार्बन के साथ बॉन्डेड है। इसमें सिर्फ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होंगी, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कौन कौन सी होंगी? वैन डर वाल्स होंगी और परमानेंट डायपोल होगी। लेकिन अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, वैन डर वाल्स फोर्सेज भी है, परमानेंट डायपोल भी है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल में है। बताने का मकसद क्या है कि एल्डिहाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लो होगा एज कम्पेयर टू एल्कोहल। तो क्या होगा जब एल्डिहाइड एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा तो वो क्या होता है आपका इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो उसको हम इजीली डिस्टिल्ड ऑफ कर सकते हैं।
अगर तो उसको डिस्टिल ऑफ नहीं, मतलब अगर आपने उसको ऐसे कंटेनर में रखा हुआ है कि एल्डिहाइड के पास स्केप होने की जगह नहीं है, या अगर आप उसको हीट अंडर रिफ्लक्स करोगे, मतलब आप एल्डिहाइड को स्केप नहीं होने दे रहे हो, अगर एल्डिहाइड को स्केप नहीं होने दोगे तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। अगर एल्डिहाइड को फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा अपैरेटस बनाया हुआ है, हीट अंडर रिफ्लक्स करा हुआ है, अगर आप सिर्फ हीटिंग कर रहे हो ना, तो आपके पास ये जो भी रिएक्शन वेसल है उसमें क्या होगा कि जब एल्डिहाइड प्रोड्यूस्ड होगा, इसके अंदर आपने अल्कोहल लिया था, प्राइमरी अल्कोहल, और साथ में आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया था, तो एल्डिहाइड ने इवेपोरेट होना है। अब इवेपोरेट होना, अगर आपको, अब जाहिर है आप एल्डिहाइड बना रहे हो तो आपको एल्डिहाइड तो ही तो रिक्वायर्ड है, अगर आप एल्डिहाइड को स्केप होने के लिए छोड़ दोगे तो बेकार है ना, आपने तो उसको रोकना है। रोकना क्या है, मतलब उसको फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करना, सेपरेट करवाना है। सेपरेट करवाने के लिए हम डिस्टिलेशन करा लेते हैं, पर अलग से एक ट्यूब बना लेते हैं जिसमें वो एल्डिहाइड निकल के इवेपोरेट होके यहाँ पे आके जमा होता है। इसमें फ्रैक्चनेटिंग कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है अल्कोहल तो आने वाला नहीं है, एल्डिहाइड ही आएगा, अल्कोहल तो खत्म हो गया है ना, अल्कोहल ऐसा ऐसा खत्म हो रहा है, तो इन दी एंड अल्कोहल सारा खत्म हो जाएगा, वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्डिहाइड डिस्टिल्ड ऑफ हो जाएगा। समझ आई बात? इसी तरह देखो, अगर आप फॉर एग्जांपल उसको एल्डिहाइड को स्केप ही ना होने दो यहाँ से, उसको रोकने के लिए हम लोग फिर रिफ्लक्स लगाते हैं। अगर आप यही रिएक्शन हीट अंडर रिफ्लक्स करोगे, तो अब क्या मतलब है कि एल्डिहाइड जो ऊपर निकल के जा रहा था, आपने क्या करा, उसको वापस ठंडा करके ना, जो एल्डिहाइड के वेपर्स बन के जा रहे थे, आपने उसको ठंडा करके कंडेंस करके वेपर्स को वापस नीचे गिरा दिया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स को पकड़ लेगा और उनको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। फर्दर ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है, मजीद उसको ऑक्सीडाइज करेगा। जब मजीद उसको ऑक्सीडाइज करेगा तो वो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब अगर इस एल्डिहाइड को आप फर्दर हीट करो, वो फर्दर हीट करने के लिए आपको एल्डिहाइड को अंदर रोकना है, तो आपको हीट अंडर रिफ्लक्स करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे डिस्टिलेशन कर लिया, एल्डिहाइड को निकाल लिया, तो सही है, एल्डिहाइड पर रिएक्शन रुक गया। लेकिन अगर आपने उसको हीट अंडर रिफ्लक्स करा, निकलने नहीं दिया, तो एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। सर जी, तो ये हीट अंडर रिफ्लक्स वाली बात दोबारा एक्सप्लेन कर दें, रिफ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन क्या होती है रिफ्लक्स की? रिफ्लक्स देखो ये होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट बनके स्केप हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, बॉयल हो रहा है, तो उसके वेपर्स को वापस कंडेंस करके सॉल्यूशन मिक्सचर में वापस लेकर आना, दैट इज रिफ्लक्स। ओके, तो उसको ठंडा करेंगे वापस आ जाएगा। ओके सर, अच्छा जी, इसी तरह ये जो हमारे पास एल्डिहाइड बना था वो प्रोपेनॉल बना था ना, प्रोपेनॉल की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी तो प्रोपेनॉल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड में। सही, मतलब इन शॉर्ट अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल को सिर्फ हीट कर रहा हूँ और उसको डिस्टिल करवा रहा हूँ तो वो कन्वर्ट, अच्छा ऑक्सीडाइजेशन की है हमने ना, साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, तो वो कन्वर्ट होगा। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ना रिएक्शन में ऐसे लिखते हैं, नेसेंट, इसको कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। मतलब बेसिकली वो ऑक्सीजन एटम जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से निकल के ये काम करवा रहा होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। लेकिन अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल को हीट अंडर रिफ्लक्स करूं, तो वो कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे अगर मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल है, इसको
डिस्टिल करना है तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा, इथानल, इथानल हम ऐसे दिखाएंगे। और अगर हम हीट अंडर रिफ्लक्स करेंगे तो जो इथेनॉल है ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा इथानोइक एसिड में। सही है भाई, आगे बढ़े। देखो सेकेंडरी अल्कोहल जैसे कि हमारे पास ये हो गया प्रोपेन टू ऑल, इसको अगर आप ऑक्सीडाइज कराओगे बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में। सेकेंडरी अल्कोहल एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाता, ये कीटोन बनाता। जैसे हमने यहाँ पे प्रोपेन टू ऑल लिया, प्रोपेन टू ऑल को ऑक्सीडाइज कराया, जो कीटोन बनेगा वो प्रोपेनोन बन जाएगा। मतलब ये जो OH लगा हुआ है ये OH जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, और साथ में वाटर बनेगा प्रोपेनोन। अगेन ये काम करवाने के लिए रिड्यूसिंग सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज कर सकते हो, KMnO4 भी यूज कर सकते हैं वैसे, ठीक है। और इसको हमने सिर्फ हीट करना है, ठीक है। हीट अंडर रिफ्लक्स इसमें ना भी लिखा हुआ हो तो कोई मसला नहीं है, डिस्टिलेशन भी करने की जरूरत नहीं है इसमें। इसमें बेसिकली सिर्फ प्रोडक्ट ही प्रोपेनोन बनेगा, ठीक है। अब इसमें वो चक्कर तो है नहीं, एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज किया वो बन गया आपका क्या कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनना ही नहीं है इसमें। अगर आप हीट अंडर रिफ्लक्स कर भी दोगे तो आपको कीटोन ही मिलना है, नहीं भी करोगे तो भी कीटोन ही मिलना है। तो उसमें अगर करें ना करें, इनफैक्ट क्वेश्चंस में अगर हीट अंडर रिफ्लक्स लिखा हुआ है तो वो पहचान होती है कि प्राइमरी अल्कोहल की बात चल रही है और उसको हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट किया। अगर क्वेश्चन में अल्कोहल की ऑक्सीडेशन में डिस्टिल लिखा हुआ है तो वो पहचान होती है कि भाई प्राइमरी अल्कोहल है और एल्डिहाइड बनाया है। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब होता है कि सेकेंडरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कीटोन बनाएगा, समझ आई ये बात। इसी तरह हम लोग जो है ना एल्डिहाइड और कीटोन को वापस जिन अल्कोहल से वो बने वापस उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो होता है रिडक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन की अल्कोहल की बस ठीक है, थैंक यू सर। इसी तरह रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन अगर हम करेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा। मतलब एल्डिहाइड की रिडक्शन करो, अब रिडक्शन हम करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट से, तो रिड्यूसिंग एजेंट को ना हम लोग इक्वेशन में मैं बताता हूँ किस तरह से शो करते हैं। एल्डिहाइड की रिडक्शन करोगे तो वापस प्राइमरी अल्कोहल बना लेगा, और अगर कीटोन की रिडक्शन करोगे तो वो वापस सेकेंडरी अल्कोहल बना लेगा। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट्स जो हम यूज करते हैं ना वो दो तरह के यूज कर सकते हैं, उनके नाम भी याद रखते हैं। देखो रिड्यूसिंग एजेंट पहला हमारे पास जो होता है ना वो होता है एक्वस, मतलब पानी में ही लेंगे उसको। और जैसे
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एसिडिक मीडियम में लिया था, इसको एल्केलाइन मीडियम में लेंगे, मतलब OH नेगेटिव आयन होंगे उसमें, एल्केली सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जैसे, एक्वस एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट, एक ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaBH4। तो हाइड्रिडो बोरेट कहते हैं, टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट, मतलब इसमें सोडियम आयन होता है और बोरेट हाइड्रिडो बोरेट आयन BH4-1। बस ये फॉर्मूला याद कर लो, अगर नाम याद भी नहीं हो रहा फॉर्मूला याद कर लो वो भी इनफ है, अक्सर फॉर्मूला लिखा हुआ होता है। इसी तरह जो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है हमारे पास वो होता है लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट। सर जी, सर अगर हम एल्डिहाइड को विद रिड्यूसिंग एजेंट अगर हम उसको हीट अंडर रिफ्लक्स कर लेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा ना? एल्डिहाइड को जब आप रिड्यूस करोगे तो वो प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में तब कन्वर्ट होगा जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करोगे। ओके सर। सर अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट अंडर रिड्यूस करवाएंगे तो वो क्या बनेगा फिर? देखो कार्बोक्सिलिक एसिड को, पहली बात तो कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करवाया नहीं जाता, एल्डिहाइड को करवाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं होता। अगर एक बार कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो उससे पीछे आप प्राइमरी अल्कोहल में नहीं जा पाते हो, लेकिन एल्डिहाइड से पीछे चले जाते हो। सही है? Yes, sir. तो ये है दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट होता है लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट। अगर नाम याद नहीं भी हो रहा कोई मसला नहीं है, बस फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है? इसमें लिथियम होगा और टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट AlH4 होगा। अच्छा, इसको हम एक्वस एल्केलाइन सॉल्यूशन में नहीं लेते, इसको ना हम ड्राई ईथर में लेते हैं। ईथर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है? ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या कहते हैं, इस तरह से होता है, जैसे CH3 है फिर O और फिर CH3। इस ईथर का जो नाम होता है ना इसको हम कहते हैं डाइथाइल ईथर। ईथर एज अ फैमिली तो नहीं है हमारे पास पूरा, हम इसको स्टडी करें या नेमिंग करें, लेकिन हम लोग इसी तरह से लेते हैं। अब इन दोनों रिड्यूसिंग एजेंट में फर्क क्या है, जब हम सोडियम टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट लेते हैं ना NaBH4, तो उसके लिए हमें ना साथ में हीट भी करना पड़ता है, हीट बहुत कम हीटिंग करनी पड़ती है, जो कम हीटिंग होती है ना उसको हम वॉर्म लिखते हैं, मतलब वाटर बाथ से कर दो वही काफी है, फ्लेम लगाने की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट को हम ड्राई ईथर में इसलिए लेते हैं क्योंकि ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर मैं इसको एक्वा सॉल्यूशन में लूंगा तो एक वायलेंट रिएक्शन होगा, ठीक है? वाटर में बहुत ज्यादा विग्रेसली रिएक्ट करता है वो तो हमें इस तरह से वायलेंट रिएक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, ये ना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अगर पानी में लोगे ना तो बहुत विग्रेस रिएक्शन होगा, रिएक्ट्स विग्रेसली विद वाटर। अब अगर इसकी इक्वेशन देखें, जैसे अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड है जैसे कि इथेनॉल है जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ओ यूं करके लिखा था ना, अब यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट को शो करना है रिडक्शन को, तो हम रिडक्शन के लिए एच लेते हैं और इसके ना 2 मोल लिए जाते हैं, इक्वेशन में हमेशा 2 मोल लिखना है इसके,
तो ये प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज इथेनॉल. जो इथेनॉल है ये कन्वर्ट हो गया इथेनॉल में. अगर आपने इसमें NaBH4 एज अ रिड्यूसिंग एजेंट लिया है तो भाई ये हम एक्वस कंडीशन में लेते हैं और एल्केलाइन होता है और साथ में वार्म करेंगे. लेकिन अगर यही रिएक्शन आप जो है क्या कहते हैं दूसरे वाले रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवा रहे हो LiLH4 के साथ करवा रहे हो तो फिर आप इसको ड्राई ईथर में लोगे. इसका रिड्यूसिंग एजेंट का जी सर नहीं इसका स्ट्रक्चर नहीं आएगा. वैसे बड़ा आसान सा होता है जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रेट एल्यूमिनेट है ना वो बेसिकली क्या है आपका एक डेटे बॉन्ड बना लेगा यहाँ पे. ये जो है ना इस पे आपका बल्कि ये उल्टा बना दिया मैंने H नेगेटिव आइन आता है इसमें माइनस वन चार्ज और लिथियम जो है ना प्लस वन. बहरहाल इसका स्ट्रक्चर है नहीं छोड़ दो मत पढ़ो डिटेल में खामा खा. इसी तरह अगर यही रिएक्शन आप क्या कहते हैं इसके साथ करवा रहे हो कीटोन के साथ करवा रहे हो किसी जैसे फॉर एग्जांपल आपने प्रोपेनोन पहला कीटोन प्रोपेनोन ही होता है ना जैसे ये तो रिड्यूसिंग एजेंट का 2 मोल लिखोगे तो ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा प्रोपेन 2-ol. स्ट्रक्चर फॉर्मूला कीटोन का CH3CO CH3 ये बना लेगा CH3C. This is propane 2-ol और ये क्या हो जाती है क्या था propanone. सही क्लियर है बात यहाँ तक. अच्छा चलो आज की क्लास ना यहाँ पे रोकते हैं और कल जो है इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. इसमें कीटोन्स का एक रिएक्शन मैकेनिज्म है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन दोनों तो बेसिकली वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म होता है जो चौथा रिएक्शन मैकेनिज्म है ना AS का. और फिर उसके बाद टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स है 3 टेस्ट है एल्डिहाइड्स के एक चौथा ट्रायडोमेथेन टेस्ट है जो एल्कोहल्स में भी होता है एल्डिहाइड्स में भी होता है तो वो भी हमें देखना है. बस उसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड इतना ही है. ये यहाँ तक जो पढ़ाया ना इससे हम लोग आगे जो है ना वो क्वेश्चन कर सकते हैं एल्कोहल्स के. तो कल जो है कुछ एल्कोहल्स के क्वेश्चन करेंगे और एल्कीन्स के भी कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े थे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स वाले तो वो वाले रिएक्शन भी कल डिस्कस कर लेंगे. सही है अभी जा सकते हो आप लोग. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.